सो गाइज आवर मॉर्निंग स्टार्ट एट 1 o'clock. हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माई अनदर ब्लॉग. तो भाई आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है क्योंकि आज हमको जाना है कॉलेज. तो अभी बस जस्ट नहाने जा रहे थे, तो नहाते धोते और तैयार होते हैं फिर सीधा चलते हैं कॉलेज के लिए. हेलो गाइज, दोबारा से नहा धोते हो चुके हैं, रेडी कॉलेज जाने के लिए भाई, और फुल पावर अपना तैयार है. और थोड़ी देर में हमारी बस है 9:30 बजे से लगभग. तो और वैसे भाई बात तो ये है कि काफ़ी दिनों बाद, जैसे लगभग 6-7 दिन हो चुके हैं हमारे कॉलेज बंद थे, तो अब इतने दिन बाद जाना है तो भाई बड़ा अजीब सा लग रहा है क्योंकि बहुत दिन बाद नहा धो के इतनी जल्दी तैयार होना फिर कॉलेज के लिए निकलना. और ये हमारे रूम का कुछ नज़ारा है, ये मेरा बेड, रूममेट के दोनों बेड. ये लोग तो जा चुके हैं कॉलेज क्योंकि इनका कॉलेज थोड़ा जल्दी था और मेरे कॉलेज जाने के लिए 1 घंटे बस थोड़ा लेट थी क्योंकि मेरा कॉलेज होता है 11-12 बजे तक क्लास करनी होती है. तो अभी वही 9:30 या 10 बजे की बसें चले जाएँगे, आराम से आके थोड़ी देर कॉलेज में बैठेंगे, फिर क्लास अटेंड करेंगे और फिर भाई सीधा शाम को, मतलब लास्ट बस से आना एकदम 6:30 बजे, 6:30 या 7 बज जाती हैं कॉलेज से वापस आते आते. लेकिन कोई बात नहीं, कॉलेज तो करना ही है. तो भाई ठीक है, चलते हैं थोड़ी देर में. और भाई फुल पावर ऑल सेट टू गो, तो भाई थोड़ी देर में चलते हैं. अभी तो हिमांशु के पास जाना पड़ेगा, देखते हैं यार, वो हमेशा डिल लेट करता है, हो सकता है अभी तैयार हो गया हो. तो अभी चलते हैं उसके रूम में. फिलहाल अभी अपने रूम में ताला वाला जो ज़रूरी है बहुत ज़्यादा, तो ताला डालते हैं उसके बाद निकलते हैं. तो भाई वैसे जैसे कि पता था कि लेट होने वाले आदमी हमेशा लेट होते, तो इसीलिए आज जैसे ही रूम में पहुँचे देख लो पूरा रूम खाली, हिमांशु कहीं नहीं है क्योंकि वो अभी के लिए बाथरूम में नहा ही रहा होगा. मुझे पता था पहले से कि पक्का लेट करेगा. हमारे पास बस 15 मिनट है और ये देखो अब ब्रश करके बाहर निकल रहा है भाई, पक्का ये लेट करवाएगा. जब देखो अभी बस छूट जाएगी इसके चक्कर में, कितने जल्दी तैयार होता है देखते हैं. नहा नहीं रहे हो, मतलब रात को नहाया था तो अब कॉलेज जाना है, नहाओगे? यही बढ़िया है, ये फंटा सही तुम्हारा. ठीक है भाई निकलते हैं थोड़ी देर में, लेट अपेट करके मिलते हैं आपसे. लाइब्रेरी में बुक लेने के लिए आ गए क्लास में, उनको थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा क्योंकि आधे घंटे लगभग वेट करना पड़ेगा क्योंकि आधे घंटे बाद है हमारी क्लास. अभी थोड़ी देर निकलते हैं अपना क्लास करने के बाद, फिर चलेंगे सीधा घर, हॉस्टल मतलब. One eternity later. भाई फिर से वापस आ चुके हैं हॉस्टल कॉलेज से, पूरा दिन वेस्ट हुआ और फाइनली उसी रास्ते पे आ गए जिधर से गए थे. तो अब चलते हैं सीधा वेस्ट में, देखते हैं कुछ नाश्ता मिलता है तो करते हैं. ब्रेड पकौड़ा है आज, देखते हैं कैसा है. हाँ जी गाइस, वेलकम बैक टू द सेम ब्लॉग. तो भाई आज अभी आए थे छत पे घूमने के लिए, मतलब ठंडी के बाद बहुत दिन बाद आया हूँ घूमने. और क्या मस्त नेचर है, अभी आपको चेक कराता हूँ. ये देखिए सनसेट वाला एकदम है, ये व्यू है. मतलब एक बार पत्ते झड़ गए, पूरा दोबारा से हरे हरे पत्ते आए हैं, तो ये अच्छा लग रहा है. आपने पिछले व्लॉग में देखा होगा, इससे पहले वाले जो भी व्लॉग आते थे ये सारे सूख चुके थे और अब एकदम सही हैं. ये वही पुरानी बिल्डिंग है, बाकी ऊपर के बादल भी बहुत अच्छे लग रहे हैं. तो आपको चेक कराता हूँ सिनेमैटिक.
सो गाइज आवर मॉर्निंग स्टार्ट एट 1 o'clock। तो भाई निकल चुके रूम से, अभी हम और समीर दोनों लोग रनिंग पे आए हैं। ओ भाई रनिंग बहुत ज़रूरी है, हमेशा फिट रहोगे ज़बरदस्त रहोगे। और हम लोग रनिंग करते करते जानते हो कहाँ जा रहे हैं, पिज़्ज़ा लाने फिट रहने के लिए। भाई गेट पे आ चुका है तो अभी इधर देखो शरीर भी फिट हो जाएगी। तो भाई हॉस्टल के खाने से परेशान होकर हम दोनों दुखी आत्मा पिज़्ज़ा ऑर्डर करके ये लेने चले गए थे बाहर। और पिज़्ज़ा के साथ में समीर की हमेशा की पसंद, दिखाओ भाई अपने छुपा के रखे हो जो स्लाइस, लव ऑफ माय लाइफ। तो भाई ये होती है हॉस्टल की लाइफ, मतलब अभी बज रहे हैं 1 और हम लोग पिज़्ज़ा ऑर्डर किए हैं, अब जा रहे हैं खाने के लिए क्योंकि खाना तो सही मिलता नहीं। ठीक है भाई चलते हैं सीधा मिलते हैं रूम में। ओ भाई साहब भर भर के दिया है वहाँ, बहुत सी मज़ेदार। तो पिज़्ज़ा खोलते हैं, दिखाते हैं कौन सा पिज़्ज़ा। भाई खोलो अनबॉक्सिंग मास्टर। वाओ अरे यार अब की बार नहीं सही है, क्यों क्यों देख के ही लग रहा है ना, हमको देख के अच्छा लग रहा है। आ जाओ अनुज। तो भाई अभी सुबह का टाइम हो रहा है 7, फाइनली उठ चुके हैं। और कल रात को मैं ब्लॉग एंड करना भूल गया था, तो फिलहाल इस ब्लॉग को यहीं एंड करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सो इसमें खाते खेला और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, आगे का आप देखिएगा अगले ब्लॉग में।